जिला पंचायत अध्यक्ष का आज पर्चा दाखिला है, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रत्याशी किरण यादव को बनाया गया था। वहीं भाजपा के प्रत्याशी पर्चा दाखिला कर चुकी हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको कलेक्ट्रेट में जाने से रोक रही है, और इस वक्त हमारे साथ हैं और हम हमारे प्रत्याशी जो की है उनका नामांकन नहीं करने दे रहे हैं लोग। ये लोकतंत्र हत्यारी ये सरकार जो है गुंडागर्दी के बल पे, पुलिस के बल पे नामांकन नहीं करना चाह रहे हैं। पार्टी की जो प्रत्याशी है जिला पंचायत किरण यादव, वो आज पर्चा दाखिल करने के लिए घर से निकली तो उसको पुलिस ने रोक दिया, पूरा छावनी बना दिया था। उसके बाद में जब जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक ने मसूद ने प्रोटेस्ट किया, आने दिया, उसके बाद में पुलिस अपहरण करके पता नहीं कहाँ ले गई है। पता चला उसका पर्चा भी छीन लिया गया है और उसका अपहरण करके अज्ञात जगह पर ले गई है। महिला उसके साथ धक्का मुक्की गिर गई, महिला फोर्स भी नहीं थी। किरण यादव महिला होते हुए भी उसका जो है महिलाओं का जो है, और समाजवादी पार्टी के 13 जीते हैं और अन्य पार्टियों का 26 हमारा समर्थन है। हार के डर से भाजपा लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और हमारे प्रत्याशी किरण यादव को पता नहीं कहाँ अपहरण करके और ले गए हैं और उसका पर्चा भी छीन लिए हैं, उसका अपहरण कर ले गए हैं। जबरदस्ती पुलिस फोर्स यहाँ लाठीचार्ज किया जा रहा है, यहाँ पर पुलिस के बल पे जो है लाठी के बल पे हमको रोका जा रहा है। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मसूद खान हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला है और किस लिए आप लोगों को पुलिस रोक रही है और आपके प्रत्याशी का पर्चा क्यों नहीं दाखिल करने दे रही है और प्रत्याशी कहाँ है। आज सुबह हम और हमारे जिला अध्यक्ष रामनिवास मौर्य विजय यादव जी के आवास पर पहुँचे कि तो वहाँ देखा भारी पुलिस फोर्स थी, वो हमको निकलने नहीं दे रही थी प्रत्याशी को किरण यादव जी को। काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद वहाँ से निकलने दिया, फिर वहीं पे जो पुलिस वाले खड़े थे उसमें दो दरोगा जी गाड़ी में बैठ लिए, कहा हम लोग आपके सुरक्षा में चलेंगे। अब वो पता नहीं मुखबिरी करने के लिए बैठे थे, किस लिए बैठे थे वो तो वो जाने। जब हम लोग महाराजगंज पहुँचे तो गाड़ी चेकिंग के नाम पर गाड़ी रोक लिया गया और 2 घंटे तक वहाँ बिल्कुल डिटेन कर दिया गया। फिर जबरदस्ती हमको और हमारे जिलाध्यक्ष रामनिवास मौर्य जी को धकेल धक्का देकर के गाड़ी में बैठा दिया गया और कहा आप लोग आप जाइए, प्रत्याशी को हम लोग लेकर जाएंगे, वहाँ पर्चा दाखिल कराएंगे। लेकिन प्रत्याशी को अभी तक ये बलरामपुर लेकर के नहीं आया, ऐसा लगता है कि उनको अपहरण कर लिया है। और चुनाव आयोग से हमारा मांग है कि ये चुनाव रद्द करके ये चुनाव फिर से कराया जाए और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी का पर्चा दाखिल कराया जाए। क्या मामला है जिला अध्यक्ष जी? जी वही बात है, हम लोग जब सुबह सुबह हम लोगों को पता लगा कि हमारे प्रत्याशी किरण यादव जी को जो है पुलिस घेरे में डाल ले रखी है और उनको पर्चा दाखिला करने जाने नहीं देना चाह रही है, तो हमारे पूर्व विधायक तुलसीपुर के मसूद साहब और मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ काफ़ी पब्लिक इकट्ठा थी, पुलिस के लोग भी काफ़ी इकट्ठा थे। और जब हम लोगों ने पुलिस से बात किया तो बहुत जद्दोजहद के बाद पुलिस ने हम लोगों को कहा कि ठीक है ले जाइए। हम लोग चले वहाँ से, हमारे गाड़ी में पीछे पुलिस के लोग रमेश यादव जी करके थे, उन्होंने बैठ लिया, वो कहे कि हम आपके सुरक्षा में हैं। फिर जब हम लोग महाराजगंज थाने के चौराहे पर पहुँचे तो वहाँ पुलिस के काफ़ी लोग एक जत्था में इकट्ठा थे और कहा कि हम गाड़ी को जांच करेंगे। गाड़ी जांच करने के बहाने में 2 घंटे डिटेन किया गया हम लोगों को। और जब इसके बाद में हम लोगों ने प्रयास किया कि नहीं अब क्यों नहीं भेजा जा रहा है, अब क्यों नहीं भेजा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप लोग जाइए हटिए, हम ये ले जाना हमारा काम है, मेरी जिम्मेदारी है। हमको और हमारे पूर्व विधायक जनाब मसूद साहब को धक्का दे करके ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया और गाड़ी में बिठाने के बाद फिर हम लोगों को लौटाया गया और लेकिन फिर भी उनका पर्चा छीन लिया गया और उनको ले गए। कहाँ ले गए? इस पर्पज़ से ले गए हैं कि उनको जब लाया जाएगा तो समय आप हो जाएगा, पर्चा वो नहीं दाखिल कर पाएंगी। मैं चुनाव आयोग से और राष्ट्रपति महोदय से क्या मानते हैं, ये शासन सत्ता का दुरुपयोग करके और पर्चा दाखिला नहीं करने दे रही है? हाँ जी जी, और क्या है, एकदम वही है। अरे शासन सत्ता का दुरुपयोग क्या, एकदम लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की गला घोटा जा रहा है जबरदस्ती। हम देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर एसपी यादव का कहना है कि भाजपा सरकार में किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है और उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जिला अध्यक्ष की, उनकी पर्चा दाखिला नहीं करने दिया गया और उन्हें किडनैप करके कहीं और लेके चला गया। तरीके से लोकतंत्र की हत्या किया गया है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से उन्हें पर्चा दाखिला करने से रोका गया। मिथिलेश कुमार, ग्लोबल भारत, बलरामपुर।